मित्र सोनी दिल्ली अक्षरधाम के पास रहता हूँ। कुछ 16,000 फिल्में मैंने देखी हैं। मैं सिनेमा का फिल्मों का इतना दीवाना हूँ, फिल्मों में इतना लगा रहा, अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। मैं अनुव मित्र सोनी दिल्ली अक्षरधाम के पास रहता हूँ। मैंने 1961 में तेरी बिना गंगा जमुना देखी, तब से सारी फिल्में देखता आ रहा हूँ। 1970 के बाद 2021 तक, यानी 1931 से लेकर 2021 तक जितनी भी फिल्में रिलीज हुई हैं, उन सब फिल्मों के जिनके प्रिंट हैं वो सारी देखी है। कुछ 16,000 फिल्में मैंने देखी हैं। मैंने बहुत लोगों से सफ़र किया, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला मुझे जिसने मुझसे अधिक फिल्में देखी हों। मैं सिनेमा का फिल्मों का इतना दीवाना हूँ कि मैंने अपने पास सब प्राणी से प्राणी फिल्मों के संबंध किताबें और फिल्म पत्रिकाएँ रखी हुई हैं। जी पत्रिका 1991 में अंक 1 से लेकर 135 तक छपी थी, वो सारी की सारी मेरे पास आज भी उपलब्ध है। फिल्मी कल्याण, फिल्मी दुनिया, कदम्बनी, नंदन और भी बहुत सारी फिल्मी पत्रिकाएँ प्राणी से प्राणी जो कहीं नहीं मिले मेरे पास है। इसके अलावा 7,000 फिल्मों की समीक्षा और प्राणी से प्राणी बुकलेटें हैं। ऐसी भी बुकलेटें हैं जिनका हिंदी फिल्म लिस्ट को उसमें भी जिक्र तक नहीं है, वो जगह खाली छूट गई है मेरे पास है। और इसके अलावा मैं आज भी फिल्में देखता हूँ, कुछ 16,000 फिल्में देखी हैं जिसमें हिंदी के अलावा अदर लैंग्वेज भी फिल्में देखी हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड और ये गुजराती, बंगाली, पंजाबी। पंजाबी भी फिल्में मैंने कम से कम 700 देखी हैं। इसके अलावा अपनी सारी ज़िंदगी सिनेमा को समर्पित किया, कोई भी मुझे काम मिलता था मैं छोड़ के आ जाता था। इसके अलावा मैं ट्यूशन पढ़ाता था, बच्चों को पढ़ाता था और टाइम निकालता था कि किसी न किसी तरीके से फिल्म देखूँ। तो आज मैं कोई ऐसी स्थिति में हूँ जो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी सामग्री है वो ना किसी के काम आती रहे। इसलिए मैं अपनी सारी सामग्री अपने जाने के बाद श्री संजीव श्रीवास्तव जी को देना चाहता हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति मेरे सिनेमा संबंधी मेरे डायरिया देखना चाहता हो या कुछ हो तो मेरे पास उपलब्ध है। 1970 से मैं निजी डायरी लिखता हूँ, हर फिल्म को डायरी लिखता हूँ। मेरे पास 22 डायरियाँ हैं जिसमें 1970 से लेकर 2021 तक मैंने जो भी फिल्म देखी है 16,000 फिल्मों की सारी लिख रखी हैं। जिस पेज के आगे एस लिखा हुआ उस फिल्म की समीक्षा मेरे पास है, जिसके आगे बी लिखा हुआ उसकी बुकलेट मेरे पास है, जिसके आगे आगे सी डी लिखा हुआ उसकी सी डी मेरे पास है। मैंने फिल्में देखने के साथ सिनेमा की किताबें बहुत सारी पढ़ रखी हैं। इसके अलावा फिल्मी पत्रकारों की बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी जीत रखी हैं। टी श्री गुलटो कुमार ने जब अपनी फिल्मोनिया किताब छापी और उन्होंने कहा 10 सवालों का जवाब दीजिए मैं और आपको टीवी इनाम में मिलेगा। गुलटो कुमार टी श्री का पहला टीवी जो है उसका पुरस्कार जीतने वाला मैं ही हूँ। नोएडा में मुझे उनके भाई दर्शन कुमार जी ने बुलाया था और उन्होंने मुझे टीवी इनाम में दिया, घर से लेके गया और घर पर पहुँचाया मुझे। इसके मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके अलावा उन्होंने पत्रकारों में मेरा इंटरव्यू भी छापा और उन्होंने मेरी फोटोएं 5 फोटोएं भी छापी, किताबों में छापी। उनकी किताबों में मेरे कई बार मुझे इनाम मिला और मैं नाम लगा। इसके अलावा महेश भट्ट की प्रतियोगिता भी मैंने जीती है, उसमें केस्टर मिली थी। सुषमा पत्रकार भी की मैंने कई किताबें जीती हैं। इसके अलावा
टेलीफिल्म में मैंने काम किया है। इसके अलावा लेख चंदन जिन्होंने कई फिल्में बनाई है, झुक गया आसमान, जहाँ प्यार मिले, अगर तुम ना होते, उनके भाई देव कुमार और देव टंडन जी जो दिल्ली गायपर नगर में रहते हैं, वो उस समय लेख चंदन जी फिर वही तलाश थ्रिलर बना रहे थे और वह खुद स्वयं गुलमोह थ्रिलर बना रहे थे। मैंने उनके लोकेशन दिखाने में काफ़ी हेल्प की थी, क्योंकि वो मुझे अचानक मिल गए थे, वो मेरे घर के पास ही आए थे। तो फिर उन्होंने मेरे घर के आसपास जो मैंने लोकेशन दिखाई थी, उन्होंने गुलमोहर फिल्म की शूटिंग की, मैं उनके मोहर पर गया था, तभी उन्होंने मुझे गुलमोहर फिल्म में रोल ऑफर कर दिया, जो नक्की रोल मैंने किया। उसके कई कलाकार टीपू सुल्तान सीरियल में चले गए थे, जो कि संजय खान ने बनाया था। तो मैंने गुलमोहर सीरियल में कई एपिसोडों में काम किया है, जो दिल्ली दूरदर्शन में 2-3 बार दिखाया जा चुका है। इसके अलावा एक और एक ही भूल टेलीफिल्म में भी थोड़ा सा काम मैंने किया है। तो 3-4 ऐसे ही टेलीफिल्म में और सीरियल में मेरा काम है। मैं फिल्मों में इतना लगा रहा, अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दी, मुझे कई जॉब भी मिले तब भी मैंने नहीं की। DTC में भी मुझे जॉब मिला, लेकिन मैंने वहाँ पे भी नहीं ज्वाइन नहीं किया। इसके अलावा कई जगह पे है, जैसे मैं पढ़ा लिखा शिक्षित हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ, फ्रेंडली स्टडी पॉइंट मैंने खोला, मैं अपनी मिस्त्री के साथ छोटे छोटे बच्चों को मैं पढ़ाते थे, मैंने 37 साल छोटे छोटे बच्चों को खूब पढ़ाया, और आज भी लोग बच्चे जो हैं दूर दूर से मेरे पास शिक्षा प्राप्त करने आते हैं।